आज बहुत ही खुसूसी तौर पर हम आपको उस्तादों के उस्ताद थिएटर के शहंशाह मस्ताना साहब का घर अंदर से दिखाने वाले हैं। मस्ताना साहब ने ये घर कब तामीर करवाया? अब्बू की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक ये सर तामीर हुआ। ये हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम है, मैं और वाली साहब और चाचा सर यानी कि हम इधर ड्राइंग रूम में बैठा करते थे। जो उनका लास्ट टाइम गुजरा वो भी इसी कमरे में गुजरा। अच्छा। इस वक्त वो हॉस्पिटल जा रहे थे तो इस सोफे पे बैठे हुए। यहाँ अक्सर जो हमारे मेहमान वगैरह जुनेद जमशेद साहब भी हमारे पास आए। ये सारी चीजें भी मस्ताना साहब के जो है वो जेरे इस्तेमाल रही है। इस बाइक के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। वो जो है ना ये लाहौर से लेके आए, वो अक्सर वो ना इस पे चले जाएगा थे हेलमेट पहन के ना ताकि पता ही ना चले, तो वो इसको इस्तेमाल करते थे। अभी भी उन्हीं के नाम पे ही मैंने अपना रिकॉर्ड और अपने अवार्ड वगैरह इस रूम में रखे हुए थे। अपना टीवी अलग से रखा हुआ था। गर्मियों में हमारी जो सिटिंग होती थी ना वो अक्सर इस जगह पे होती थी। अक्सर रात को वो छत पे अक्सर सो जाते, फिर सुबह फजर के टाइम आ जाते थे नीचे ना। बारबेक्यू वगैरह सारा घर में दावत वगैरह होती थी वो ज्यादा वो सिर्फ खाने के टाइम आते थे। चाय का बहुत शौक था और उनका एक फार्मूला था 3 चम्मच पत्ती और 3 चम्मच चीनी, मतलब तेज पत्ती और तेज चीनी। माशाल्लाह टीके लगाने वाले भी आए। टीका मैं लाना है पर बच्चे वाली थां ते। नाज़रीन आज एक और बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब से पहले हमने आपको मस्ताना साहब का जो घर है और कब्र वो खुसूसी तौर पर दिखाई थी। आप सब ने उसे बहुत पसंद किया और पूरी दुनिया से हमें कॉल्स मौसूल हुई और सब ने मस्ताना के जो चाहने वाले हैं उन्होंने ये फरमाइश की कि जो मस्ताना साहब का घर है वो अंदर से भी दिखाया जाए। तो इसी सिलसिला में आज हम दोबारा बहावलपुर में मौजूद हैं और आज बहुत ही खुसूसी तौर पर हम आपको उस्तादों के उस्ताद थिएटर के शहंशाह मस्ताना साहब का घर अंदर से दिखाने वाले हैं। वो जगह जहां पर मस्ताना साहब बैठकर गप्पे लगाया करते थे, क्या क्या चीज़ें उनके इस्तेमाल में रहीं और वो घर अंदर से कैसा दिखता है आज बहुत ही खुसूसी तौर पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन मेरे लिए बड़े ही एजाज़ की बात है कि मैं मस्ताना साहब के घर के अंदर मौजूद हूं और मेरी ये खुशबख्ती एक और ये भी है कि मेरे साथ हाफिज़ साद हसन साहब मौजूद हैं जो मस्ताना साहब के इकलौते बेटे हैं। साद भाई बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज मुझे ये दरो दीवार देखने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मस्ताना साहब ने ये घर कब तामीर करवाया, उसकी ज़मीन कब ख़रीदी गई और ये कितने रकबे पर वाक़ है? अबू का ये अबू ने भी प्लान किया चचा के साथ मिलके ना, ठीक है, फैमिली के लिए बहावलपुर ज़्यादा बेहतर सिटी है, ठीक है, पीसफुल सिटी है, सही है, और यहाँ घर बनाया जाए, सही है। तो उन्होंने चचा के साथ मिलके फिर ये एक ही दोनों ने मिलके ना एक ही प्लॉट खरीदा। अच्छा। और अबू की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक ये मतलब ये सारा तामीर हुआ। इसका जो मतलब जो डिज़ाइन इसका है, इसका मतलब ये एक ही प्लॉट है और इसमें दो पोर्शन हैं, सही है, एक ही तरह के बिल्कुल ना, एक तरफ चचा ने अपना पोर्शन बनाया, एक तरफ ये वाली साहब ने बनाया, तो हम यानी कि हमारा घर एक ही है, ठीक है, तो अलहमदिल्ला इकट्ठे रहते हैं, सही है। नहीं उनका तो बड़ा प्यार था अपने भाई के साथ में, तो ये दो बनाने का क्या मकसद था कि दो पोर्शन एक ही जैसे बना दिए दरमियान में गैलरी? हाँ, दो बनाने का मकसद ये था कि कोई डिफरेंस ना रहे बिल्कुल भी ना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे इधर राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल सेम है। और ये तकरीबन 98 में ये परचेज किया था। अच्छा। अबू ने और चचा ने प्लॉट खरीदा था ये ना, और ये 2001 में ये इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी, ठीक है, और हम पहले लाहौर में रहते थे, सही है, तो फिर हम फिर भावलपुर शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, तो ये इसका रकबा कितना है साथ भाई? ये वैसे देखने में तो ये बड़ा लगता है काफ़ी, मगर ये 10 मल्ला है, ये ठीक है, ये 10 मल्ला है क्योंकि ये बहावलपुर के जो मल्ला है ना वो उसका साइज बड़ा होता है, लाहौर की नस्बत बड़ा है, ठीक है, तो ये और अलहमदिल्ला उसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, जी जी, उनकी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक ये मतलब ये प्लॉट की लोकेशन भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको दिखाया गया था, पहले चचा ने पहले पसंद किया और फिर मैंने देखा इसकी बैक साइड पर जो है ना मतलब कोई घर नहीं है, बैक साइड पर इसकी कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज
कॉलोनी है तो वहाँ से मतलब कोई ऐसा घर वगैरह नहीं है, पर्दा नहीं पड़ता, एक बड़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है पीछे। आप ऊपर जाएंगे आपको दिखाएंगे तो बैग आपको, तो अक्सर वो ऊपर ना छत पे बैठा करते थे, पीछे बड़ी ग्रीनरी है काफी। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा मतलब एक एनवायरनमेंट है, पीसफुल सा यानी कि जगह है, रिहायशी एरिया, रिहायशी। वो यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो वो हमेशा से उनकी यही ख्वाहिश थी कि ऐसी जगह होनी चाहिए। और साथ भी अब हम किस तरफ जा रहे हैं, आपको ड्राइंग रूम दिखाते हैं, कुछ उनके अवार्ड वगैरह हैं। तो ये हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम है जी जी। तो अभी इसमें, इस ड्राइंग रूम में आप सब क्या खास बात है, क्या चीजें यहाँ पे इस ड्राइंग रूम के हवाले से? इस ड्राइंग रूम के वाले से ये है कि इधर हम मैं और वालिद साहब और चचा, मतलब हमारी क्योंकि जिस वक्त अब रिटायरमेंट के बाद अब बहुत बुरा है 2007-08 में, तो उस वक्त हमें उसी वक्त हमें ज़्यादा टाइम मिला उनके साथ गपशप का, और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो हम अक्सर यानी कि हम इधर ड्राइंग रूम में बैठा करते थे या फिर ऊपर छत पे भी बैठ जाया करते थे। तो ये ड्राइंग रूम के वाले से ये है कि यहाँ काफ़ी अच्छी सिटिंग रही है, उसके अलावा ये हमारी डाइनिंग कभी कभी हम यानी कि इधर खाना भी खाया करते थे इसी डाइनिंग टेबल, हाँ इस डाइनिंग टेबल पे। वो इसकी जगह चेंज होती रहती थी, भारत ये उनके हवाले से यादगार है, ठीक है। उसके अलावा ये रूम इसलिए भी पसंद था कि ये हमारा जो रिहायशी रूम्स है ना, लिविंग रूम्स हैं, वो बैक साइड पे हैं, फ्रंट पे उन्होंने ये मेहमानों के लिए एक डिज़ाइन करवाया था, ये दो कमरे, एक ये भी और उधर भी ऐसे ही सेम ना। तो उन्होंने भी ये जिस वक्त वो आए यहाँ बहलपुर में, तो उन्होंने ये डाइनिंग जो है ना वो एक और दूसरे रूम में शिफ्ट करवा दी थी। अच्छा ये वाला ये शिफ्ट, और यहाँ उन्होंने अपना ना एक सिंगल बेड, उन्होंने अपने सिंगल बेड जो है ना यहाँ पे जो है वो शिफ्ट करवाया। अच्छा। तो वो जिस वक्त उनका दिल चाहता था ना कि भी जिस वक्त फैमिली अभी यानी कि अभी टाइम नहीं होता था सोने के समय, मगर ये कि उनका दिल चाह रहा है रेस्ट का, तो अक्सर वो इधर आ जाया करते थे। हाँ इधर आ जाते थे वो ना। और उसके अलावा उनका जो लास्ट यानी कि जो घर में जो लास्ट टाइम गुजरा वो भी इसी कमरे में गुजरा। वो ये मुझे याद है कि जिस वक्त वो हॉस्पिटल जा रहे थे जी जी। तो वो उस वक्त इस सोफे पे बैठे हुए थे, ये वाला ये सोफा, ये सेंटर में इधर बैठे हुए थे मुझे याद है। तो इधर ही इधर से फिर वो गए, उसके बाद बस ठीक है अल्लाह का। तो नाज़रीन ये बड़ा ही खास डाइनिंग टेबल है, और इस रूम में, इस ड्राइंग रूम में जो एक एक चीज है वो मस्ताना साहब के हवाले से मंसूब है, उनकी याद इन चीज़ों में बसती है। और ये बड़ी ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मस्ताना साहब की जो यादें हैं उनसे जो अटैच चीज़ें हैं वो उसी हालत में मौजूद हैं। ये यकीनन मस्ताना साहब की जो फैमिली है उनकी उनके लिए मोहब्बत है, क्योंकि हम बाकी जगहों पे देखते हैं तो वो चीज़ें वैसी मेंटेन नहीं कर पाते उनकी फैमिली वाले, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये डाइनिंग टेबल, ये यहाँ पे पड़े हुए सोफ़े, और ये एक एक चीज़ जो है वो अभी तक मस्ताना साहब की याद अपने अंदर समोए हुए हैं। तो साथ भाई इस ड्राइंग रूम में, और ये मुझे अवार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से कुछ बताएं। ये वालिद साहब के कुछ अवार्ड्स हैं। अच्छा। बल्कि ये सारे नहीं हैं। अच्छा। अभी और बहुत से हैं, क्योंकि यहाँ जगह यहाँ जगह ही नहीं, इतनी स्पेस ही नहीं होती यहाँ। तो इसमें ये सारे तो नहीं है अवार्ड ना। हाँ ये कुछ और जगह पे पड़े हुए, यहाँ इतनी स्पेस नहीं थी। ठीक है। तो ये इसमें एक तो ये उनका बड़ा मशहूर ड्रामा था शर्तियाँ मीठे, हाँ जी, ये बब्बू बराल साहब ने ये लिखा था। तो इसमें उन्होंने शुरू में मतलब रिकॉर्डिंग से पहले वालिद साहब और बब्बू बराल का एक पेयर था उसमें। अच्छा, ना हाँ। उसके बाद फिर वालिद साहब बाहर चले गए। अच्छा। बाहर कोई ड्रामा था उनका, ठीक है। तो उसके बाद फिर अमानुल्ला साहब और बब्बू बराल साहब का पेयर हो गया, तो रिकॉर्डिंग में उनका है। तो बहरहाल वो ये कई महीने या शायद साल वो जी जी बड़ा साल वो काफी तसलसल के साथ चलता रहा, काफी सुपर हिट ड्रामा रहा है। तो ये उसका उसके हवाले से, उसके अलावा ये उनका ये शब्द ये शब्द के हवाले से, ये जिसमें उन्होंने पटियाला पटियाला जबान में उन्होंने बड़ा अंकल की उनका किरदार, तो ये उस हवाले से ये उनको मिला था, ठीक है। हाँ जी। और उसके अलावा एक बहुत से और बहुत से ये जैसे ये स्टेज के हवाले से उनका ये बड़ा मजा आएगा, ये बड़ा ये सुहेल अहमद साहब का ये बड़ा लिखा हुआ ड्रामा, ठीक है। और बहुत से अवार्ड्स हैं, किंग ऑफ कॉमेडी अवार्ड, सही है, बाबा पंजाबी। तो इसमें ये जो अवार्ड्स हैं ये मस्ताना साहब ने खुद यहाँ पे डेकोरेट किए थे या आपने बाद में इनको यहाँ पे डेकोरेट किया? नहीं, ये वालिद साहब का एक और रूम था
वो उन्होंने ऊपर एक छोटा सा रूम उन्होंने सेट किया हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने सारा रिकॉर्ड और अपनी अवार्ड्स वगैरह सारे उधर सेट किए हुए थे अपनी जिंदगी में ना। तो उसके बाद फिर ये मैंने इनको ना नीचे शिफ्ट कर दिया, उसको नीचे शिफ्ट किया और इसको बेहतर तरीके से ठीक हो गया। तो आप सब इसके बाद हम ड्राइंग रूम के अलावा कहाँ पे, इसके बाद आपको एक और रूम है उधर भी हम अक्सर बैठा करते थे, उधर अक्सर हमारे मेहमान वगैरह वहाँ, बल्कि वो जुनेद जमशेद साहब, हाँ वो भी उनको भी हमने उधर ही। हाँ जी, तो नाज़रीन ये ड्राइंग रूम था जहाँ पर हमने बहुत ही खसूसी तौर पर वो चीज़ें आपको दिखाई जो मस्ताना साहब के ज़ेर इस्तेमाल रहीं। ये पड़ा हुआ यहाँ पे सोफ़ा, ये अवार्ड्स उनके, और ये डाइनिंग टेबल, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर मस्ताना साहब की यादें बसती हैं। और अब हम घर के दूसरे हिस्से में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये भी हमारा एक रूम है जी जी। तो यहाँ इस रूम की क्या खासियत है आप साहब? यहाँ ये कि यहाँ अक्सर जो हमारे मेहमान वगैरह अच्छा, हाँ उनको यहाँ हम डिटेन करते हैं। तो यहाँ जुनेद जमशेद साहब भी हमारे पास आए, तो वो भी उनके साथ भी यहाँ अच्छी गपशप रही। उसके अलावा और बहुत से अबू के करीबी दोस्त, अशरफ भाई साहब, जवाद वसीम साहब, बाकी सोहेल अंकल से तो वैसे ही एक फैमिली टर्म्स है हमारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कई दफ़ा आए इधर, उनसे भी काफ़ी यहाँ गपशप रही। तो इस कमरे को किस हवाले से डेकोरेट किया गया और इसमें मस्ताना साहब के ज़रिए इस्तेमाल किया गया चीज़ें? इधर का थोड़ा थीम आपको डिफरेंट लगेगा, मतलब वो उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है। ये सिर्फ ये मेहमानों के लिए मखसूस है कमरा ना, और उधर यानी कि हम खुद भी, मतलब आपकी जो फैमिली थे, आप थे या आपके चचा थे, हाँ जी, हाँ जी, आप वहाँ पे बैठ के गपशप करते हैं और जब कोई मेहमान आता है जैसे जुनेद जमशेद साहब आए या दूसरे लोग, तो फिर वो यहाँ हमको यहाँ के लिए ठीक है। तो साथ में ये जो सारी चीजें जो सोफे वगैरह हैं, ये तब के हैं या ये बाद में आपने चेंज किए? नहीं, ये उस वक्त हमने लिए थे जिस वक्त ये घर तामीर। अच्छा अच्छा, उसके बाद मतलब ये सारी चीजें भी मस्ताना साहब के जो हैं वो ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं। हाँ जी, ज़ेरे इस्तेमाल ठीक है। तो ये भी मतलब उसके अपोजिट उसी तरह का ड्राइंग रूम है जिसके दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल भी है। हाँ जी, और वो सेम उसी सेम ये चचा का, बेसिकली चचा का ड्राइंग रूम है, सही है। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे वो उधर वाला है, ठीक है, सेम ऐसे ही है। आए आपको ऊपर का थोड़ा सा जी जी जरूर आप व्यू दिखाते हैं। आपको ऊपर का थोड़ा सा दिखाते हैं। उसके अलावा ये बल्कि बाइक, ये इस बाइक के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। ये अबू जो है ना, ये लाहौर से लेके आए अच्छा। थे ना, उनके इस्तेमाल में भी रहा है अच्छा। वो अक्सर वो ना इस पे चले जाएगा थे हेलमेट पहन के ना अच्छा। ताकि पता ही ना चले, तो वो इसको इस्तेमाल करते थे अक्सर ना, तो अभी भी उन्हीं के नाम पे ये मैंने ट्रांसफर उन्हीं की याद उनकी याद में रखा, मैं इसको यूज़ करता हूँ अच्छा। तो ये फिर उन्होंने मुझे दे दिया था ये अच्छा। मैंने अपने देखें कितनी खास यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं कि मैंने आज तक ऐसा कोई घर नहीं देखा किसी स्टार का जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है कि उसकी इतनी चीज़ें मतलब उसके घर में मौजूद हों। तो ये मस्ताना साहब का बाइक है, मस्ताना साहब इसको यूज़ करते थे, और इसके अलावा उनका एक और बाइक भी था, ऐसा मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे, लेकिन वो उसी तरीके से उसको दोबारा से वो मैकेनिक से बनवा रहे हैं जैसे वो मस्ताना साहब के पास हुआ करता था। तो आप सब अब किस तरफ जा रहे हैं? उस वाले से बताऊँ मैं कि वो 91 में उन्होंने ख़रीदा था बाइक, वो पहली सवारी थी उनकी अच्छा। तो उसके बाद फिर वो बहावलपुर आ गया, वो बाइक भी साथ बाइक नहीं, वो पहले ही यहाँ भिजवा दिया था उन्होंने, सही है। तो यहाँ इस्तेमाल में रहा, मगर उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, उसको आजकल चाचा उसकी रीस्टोरेशन करा अच्छा, रहे हैं। हाँ जी ठीक है। तो वो इंशाल्लाह वो भी आपको अगर मौका मिला तो आपको दिखाएंगे अगर मैकेनिक के पास जरूर, है जरूर, हाँ मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी। हाँ तो ये गैलरी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी, गैलरी अभी थोड़ा सा आपको यानी कि दरमियान में हमारा सहन है, ठीक है, दोनों पोर्शन जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर से ये थोड़ा वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। तो नाज़रीन ये मतलब आप यहाँ से वो खसूसी और क्लियर आप वो देख सकते हैं कि दरमियान में गैलरी है और इसके दोनों तरफ के मस्ताना साहब दो भाई थे, तो उन्होंने इस एक प्लॉट में दो पोर्शन एक जैसे बनाए कि वो इकट्ठे भी रहते रहें और एक वक्त वो दोनों का अलहदा अलहदा भी हो। तो हफ साहब अब किस तरह जा रहे हैं? ऊपर लेके चलो। Thank you.
अब हम ऊपर वाले पोर्शन में जा रहे हैं जहाँ पर मस्ताना साहब अपनी शामें गुजारते और वहाँ पर बैठ के रिलैक्स करते। और ये बिल्कुल बैक साइड पे कायद आजम मेडिकल कॉलेज है, तो वो वहाँ भी वो उसका व्यू लिया करते थे। इस रूम के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ये अबू ने इसको ना जब इस वक्त आए तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड और अपने अवार्ड्स वगैरह इस रूम में रखे हुए थे। अच्छा। और वो कभी कभी इधर अपने उन्हें अपना टीवी ये अलग से रखा हुआ। अच्छा, था अपना VCR रखा हुआ था। सही है। तो वो जिस वक्त फील्ड में था उस वक्त उनको टाइम नहीं मिलता था इतना, तो उन्होंने बाद में फिर यहाँ वो यहाँ बैठ के देखा करते बैठ के अपने पुराने ड्रामे। और तो क्या उनकी रूटीन होती थी, कब वो चीज़ें वो देखते थे? तो वो कभी भी कभी उनको दिल वैसे ये कि उनकी रूटीन थी कि फजर के बाद ना वो ऊपर चाय पी के ऊपर चले जाते थे। अच्छा। ऊपर जाके अपना रेस्ट करते थे, अपने उन्हें कुछ दुआएं पढ़ते थे, उनकी रूटीन थी। सुबह सूरह रहमान की तिलावत करते थे। अच्छा, उनकी बात की रूटीन मतलब ये रही है उनकी। तो नाजरीन ये मतलब यहाँ पर मस्ताना साहब ने एक एक चीज़ को अपने उस ज़ौक के मुताबिक तामीर करवाया कि एक कमरा उनका मुख्तस था कि जहाँ पर वो बैठ के वो ड्रामे देखते, दूसरे फनकारों की वो चीज़ें, क्योंकि जब वो काम कर रहे थे तो उनके पास इतना टाइम नहीं था होता। तो फिर जब वो यहाँ पर आए, भावलपुर शिफ्ट हुए, तो फिर इस कमरे में बैठकर वो टीवी वगैरह देखा करते थे, उनका अलग से एक सेटअप था। तो इस तरह एक एक जो चीज़ है ना वो मस्ताना साहब ने अपने ज़ौक के मुताबिक तामीर की। और इसको आप थोड़ा सा देखिए ना, ये ना छत पे है जी जी, ये बिल्कुल सेंटर में बड़ा खूबसूरत उसकी लोकेशन है। इधर आप ज्यादा शोर शराबा नहीं, या तो ऊपर है या नीचे, बिल्कुल सेंटर में एक आ जाए। ये हमारी मतलब ऊपर का पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई भी। सही है। और ये कि क्योंकि हमारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है तो हमारा नीचे ही गुजारा हो जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ इस जगह पे अक्सर ना इस जगह पे ये पीछे व्यू देखे ना जी जी, तो ये मेडिकल कॉलोनी है भावलपुर की ना। ठीक है। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा उनको अच्छा लगता था, ये ग्रीनरी अच्छा। थी यहाँ काफी। तो यहाँ पर उनके बैठने की क्या टाइम होती, शाम के वक्त? शाम के वक्त या रात के वक्त। अच्छा। गर्मियों में, गर्मियों गर्मियों में, हाँ गर्मियों में, ये गर्मियों में हमारी जो सिटिंग होती थी ना वो अक्सर इस जगह भी होती थी। अच्छा। हाँ जी, आ जाए। ठीक है। तो आप भी यहाँ पर बैठ के उनके साथ चाय शाय? हाँ जी, चाय से पीते थे, गपशप लगाते थे। हाँ जी। ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा यानी कि यहाँ का व्यू था। उसके अलावा ये काफ़ी बड़ी छत है यहाँ। हाँ जी, काफ़ी खुली। हाँ जी, तो हमारा बारबेक्यू वगैरह सारा। अच्छा, वो तो बारबेक्यू की क्या वो होती थी आपकी रूटीन? उनको वैसे ही उनको शौक तो था खाने पीने का, खाने पीने का शौक था। मगर ये कि ज़्यादा वो इवन के घर में दावत वगैरह होती थी तो ज़्यादा वो सिर्फ खाने के टाइम ही वो आते थे। और अच्छा। उस वक्त वो सब गपशप लगा पकाने में उनका इतना वो नहीं था। अच्छा। तो वो उस टाइम जिस टाइम चाय का सुना है, बड़े शौक चाय का बहुत शौक था उनका। हाँ जी, चाय वो खुद भी बना लेते थे, चाय खुद भी। और उनका एक फार्मूला था कि तीन पत्ती, अच्छा। तीन चम्मच पत्ती। अच्छा। और तीन चम्मच चीनी, मतलब तेज पत्ती और तेज चीनी, वो यानी कि शौकीन थे इस चीज़ के ना। ठीक है। तो ऐसे तो और इसके हवाले से अगर कोई यादें हैं, और ये कमरा जो नजर आ रही है बाद में तामीर हुआ? हाँ जी, ये कमरा बाद में तामीर हुआ है। अच्छा। हाँ जी, कमरा जब कमरा नहीं था उस वक्त भी यहाँ यानी कि जहाँ भी उनको बेहतर लगता था वो वहाँ ना अक्सर सो भी जाया करते थे। अच्छा। हाँ, अक्सर वो शाम, क्योंकि यहाँ भावलपुर का ये है इधर के मौसम के हवाले से मैं बताऊं कि यहाँ क्योंकि नज़दीक यहाँ चोलिस्तान है जी जी, तो यहाँ ना रातें दिन में जैसे इस वक्त ये गर्मी फील हो रही है आपको, हालांकि अभी पूरी तरह गर्मी नहीं है। तो यहाँ भावलपुर के हवाले से अगर मैं बताऊं तो यहाँ ये है कि अभी इस टाइम आपको गर्मी फील हो रही है, हालांकि अभी गर्मियाँ पूरी तरह नहीं आई। तो रात को यहाँ बड़ा अच्छा मतलब ठंड हो जाती है, चोलिस्तान नज़दीक है तो हवाएं बड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं है। तो रात को यहाँ बड़ा यानी कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता था। ठीक है। तो हम अक्सर रात को वो सो भी जाया करते थे। अच्छा, यहाँ छत पे? हाँ, छत पे अक्सर सो जाते, फिर सुबह फजर के टाइम आ जाते थे नीचे ना इस तरह। तो मतलब उन्होंने अपनी जो है ना रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और मैंने पूरा जो फैमिली ओरिएंटेड चीजें थी, फैमिली ओरिएंटेड कि आप टीवी देख रहे हैं, अपने पुरानी वो चीजें देख रहे हैं, साथी फनकारों की वो मजे की चीजें देख रहे हैं, और फिर यहाँ छत पे बैठ के बारबेक्यू हो रहा है। हाँ जी, या फिर गर्मियों में आप यहाँ पे सो रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल। तो उन्होंने वो जो उनकी जो ख्वाहिशात जो नहीं थी, जो नहीं पूरी हो सकी थी, तो उन्होंने वो रिटायरमेंट के बाद जो है ना वो उस चीज को उन्होंने कोशिश किया कि हम उसको एंजॉय कर सकूं, फैमिली के साथ टाइम गुजार सकूं। सही है। बाकी जैसे उनकी
सिस्टर्स हैं मेरी फूफो जी जी, तो वो भी आ जाया करती क्योंकि वो सारे हम इधर ही है ना। अच्छा। इधर बहावलपुर के एरिया में मेरी दो फूफो बहावलपुर में रहती हैं, एक अहमदपुर शर्किया में रहती हैं, तो वो अक्सर ना आ जाते थे सारे क्योंकि अबू से सबको ही प्यार था। अच्छा। तो हम यहाँ अक्सर यहाँ सीटिंग या नीचे सीटिंग होती रहती थी तो बड़ा मजा आता था। सही है। तो वो बारबेक्यू पार्टीज में सिर्फ वो फैमिली और फैमिली होती थी या? हाँ जी, बस दोस्त अहबाब भी कभी किसी ने शिरकत की? नहीं नहीं, फैमिली दोस्त अहबाब के वाले से मतलब वो यानी कि इतना ज्यादा घर में यानी कि मैं आपको दिखाया ना वो रूम जो है तो उधर ही बस वहाँ तक महदूद था कि जिसने आना है वो वहीं तक वहाँ तक ऐसे ही। ठीक है नाज़रीन, ये छत थी बहुत ही खसूसी तौर पर हमने आपको दिखाई कि मस्ताना साहब जहाँ पर बैठा करते थे और बारबेक्यू पार्टीज होती यहाँ पर छत में, छत पर गर्मियों में सो भी जाया करते थे। तो ये बड़ी ही ख़ास जगह है और मुझ पर वो बड़े ही वो सारी चीज़ें जो है मेरे माइंड में वो गर्दिश कर रही हैं कि किस तरह जब मस्ताना साहब यहाँ पे होते होंगे तो किस तरह इस घर की जो रौनक और वो सारी चीज़ें होंगी कि उनकी खुशबू से ये घर महका करता था। दोनों गाड़ियाँ तो मतलब बाद में अल्लाह ताला ने बाद में दी हैं गाड़ियाँ, बाकी उनकी जो ज़ेर इस्तेमाल थी मतलब वो नहीं हम सेव कर सके। अच्छा। वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सेल आउट कर दी थी। ठीक है, बाकी ये कि अच्छा अब सर मैं ये देख रहा हूँ कि ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है ये सीढ़ियों और फिर ये वेंटिलेशन का, इसके बारे में बताएं ये किसका आइडिया था? ये बेसिकली ये मेरे चचा का आइडिया था। ये इस तरह है कि ये गुजरांवाला लाहौर का स्टाइल है बेसिकली। हाँ, क्योंकि हमारे बड़ों का, वालिद साहब के दादा बू का ताल्लुक बेसिकली गुजरांवाले से, उधर अबाई ताल्लुक, उधर ख्याली दरवाज़ा उधर से मोहल्ला भाबड़े वाला, तो वहाँ से तो उधर मोहल्लों में मतलब इस तरह का एक स्टाइल होता था कि साइडों पर कमरे, ऊपर भी कमरे और सेंटर में ना वेंटिलेशन के लिए एक वो, तो एक उनकी ख्वाहिश थी कि इस तरह होना चाहिए, थोड़ा सा ओल्ड टच होना चाहिए इस तरह का ना, तो ये इसका बड़ा ये वैसे बेसिकली गैलरी थी पहले ना। अच्छा। तो इसको भी थोड़ा सा चौड़ा करके ना फिर ये इसकी ये जगह बनाई थी इसको करने। अच्छा, अब सर मस्ताना साहब ने बड़ी जद्दोजहद की जब वो लाहौर आए तो उनकी जब उन्होंने पहला घर बनाया वो कहाँ पर बनाया और उस वक्त आपको याद है या आप सुनते होंगे उनके क्या ऐसा साथ थे? पहले तो वो रेंट पे ही जा रहे हैं, उन्होंने लाहौर में अपना टाइम गुजारा। उसके जो मैंने सुनी सुनाई बात है ऑब्वियसली मैं तो जी जी। तो ये था कि जो उन्होंने शादी के बाद जो वो उधर भी रहे हैं, राजगढ़ रहे हैं और सांदे में रहे हैं रेंट पे उस वक्त अपनी आमदन के हवाले हिसाब से। उसके बाद ये कि जब मैं छोटा सा था तो हम चबूरजी पार्क में ना, हाँ उधर भी रहे हैं, हाँ चबूरजी पार्क में रहे हैं। तो उसके बाद पे मुझे जौहर टाउन A1 ब्लॉक का याद है। अच्छा। जौहर टाउन A1 ब्लॉक में हम रहे हैं और वो आपका अपना घर था? नहीं, वो सारे रेंट के थे। अच्छा। उसके पहला जो उनका अपना जाती घर था ना तो ये चचा ने और अबू ने यहाँ यानी कि यहाँ इकट्ठे बनाया बहावलपुर में। उसके बाद फिर इसके बाद फिर उन्होंने अपना एक जाती घर लाहौर में इरामा इकबाल टाउन में। अच्छा। वहाँ उनका अपना जाती घर था, वहाँ जो आप पूछ रहे थे कि कौन कौन आते थे वो सारे मतलब उनके जितने भी कोलीग्स थे या प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स वगैरह तो वो अपनी फील्ड के हवाले से सब वो उधर ही, वो उनको उधर ही बुलाते थे अपने घर में ना, इरामा इकबाल टाउन लाहौर में। तो उधर काफ़ी अच्छी उनकी सीटिंग रहती थी, तो उन्होंने अपना बल्कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी। अच्छा। हाँ, प्रोडक्शन हाउस की तैयारी थी उनकी ना, मतलब तो जब यहाँ पे वो थे? नहीं, अभी वो यहाँ आए नहीं थे बॉलपुर में ना, तो उनकी प्रोडक्शन हाउस के हवाले से उनका था इरादा था, तो उन्होंने उसकी तैयारी की थी वो लाहौर में अपने घर में ना सारा वो सेटअप कर रहे थे। हाँ जी, बल्कि उन्होंने एक सिटकॉम भी स्टार्ट किया था। अच्छा। दीवाना मस्ताना के नाम से ना। हाँ जी, वो भी स्टार्ट किया था, मगर ये है कि फिर वो उनका बस वो इरादा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा नहीं बस इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना। फिर उसकी मेरे ख्याल कोई 5-6 एपिसोड के बाद उन्होंने उसको माइंड अप कर दिया था। सही है। तो वो घर फिर आपने वो सेल आउट कर दिया था? वो वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में ये सेल आउट कर दिया था। हाँ जी, क्योंकि उधर ऐसे था कि सबको मालूम था, मैं बताया जैसे आपको बताया ना कि ये फैमिली के लिए था और वो उनकी अपनी जो है ना शोबेस के हवाले से, तो उन्होंने वो सबको मालूम था, तमाम कोलीग्स हो तमाम, तो वो सब यानी कि इंसिस्ट करते थे ठीक है कि आप दोबारा आए वापस हो। सही है। तो उनको बेहतर ये लगा कि ये इसको सेल आउट कर दिया जाए। ठीक है। फिर उन्होंने वहाँ से फिर उनका एक प्लॉट भी था। सही है। उनका प्लान बना कि मैं उधर तामीर करवा लूँगा अपना। सही है।
मगर ये कि फिर वो उसमें कब्जे के हवाले से कुछ मामला चलते रहे। हाँ जी, प्लॉट भी था जो टाउन में। हाँ, उसके बाद फिर वो बहुत कुछ शिफ्ट हो गए। सही है। हाँ जी, आए फिर चाय चाय पीते हैं। जी जरूर। अबू को भी बड़ा शौक था चाय का। जी जी। तो आपको भी बड़े हमारे लिए एहसास की बात है। तो नाजरीन, ये मस्ताना साहब का घर था, बहुत ही खसूसी तौर पर हमने आपको दिखाया। ये सारी दर दीवार है, यहाँ पर एक एक जो चीज़ है वो मस्ताना साहब से मंसूब है और एक एक चीज़ में मस्ताना साहब की याद बसती है। तो बहुत ही खसूसी तौर पर हमने आपको उस्तादों के उस्ताद, थिएटर के शहनशाह मस्ताना साहब का घर दिखाया। आप सब, आपका बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बड़ी ही एजाज़ की बात थी। और आप जो सब देखने वाले हैं, मस्ताना साहब की मगफरत के लिए ज़रूर दुआ करें। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिल्म नहीं, घर का पाओगे। ये वीडियो की दुकान से फिल्म लैन गया, जाके कहता जी वो घर का पाओगे, कहता तू चल अद्धे घंटे बाद आ रहा मैं।